सेशन कोर्ट ने खारिज की करण ओबेरॉय की जमानत याचिका। 11 दिन से जेल ही में एक्टर महिला दोषी के रेप मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे अभिनेता करण ओबेरॉय की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 17 मई को हुई सुनवाई में मुंबई दिंडोशी कोर्ट ने करण को जमानत देने से इनकार कर दिया। बीते शुक्रवार 10 मई को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद करण ने कोर्ट में याचिका दायर लगाई थी, जिस पर 3 दिन 15, 16 और 17 तक सुनवाई चली। 3 दिन तक चली सुनवाई के दौरान करण के वकील दिनेश तिवारी ने कोर्ट के सामने कई तरह की दलीलें दी। उन्होंने महिला को जुनूनी बताते हुए कहा कि वह ओबेरॉय को बर्बाद करने के लिए झूठे केस में फंसा रही है। तिवारी ने कहा कि महिला के बीच हुए मैसेज का हवाला दिया और कहा कि महिला ने करण के सामने दावा किया था कि वह पिछले जन्म से जानती है और इस जन्म में उनके साथ उनकी शादी का योग है। इतना ही नहीं, वकील की ओर से यह भी कहा गया कि ओबेरॉय ने कभी महिला से शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था। पुलिस के अनुसार FIR में इस बात का जिक्र भी है कि करण ने महिला वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की और धमकी दी कि अगर पैसा नहीं मिला तो वीडियो इंटरनेट पर लीक कर देंगे। आज जो सुनवाई रखी गई थी, आज जो सुनवाई रखी गई थी उसके अंदर काफी दलीलें पेश की गई, हमारी तरफ से भी काफी दलीलें पेश की गई। माननीय कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद ये निर्णय लिया कि बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए, यानी जो जुडिशियल कस्टडी है उसके अंदर वो अक्यूज़ जो है वो अभी और दिन रहेगा जब तक के कोई सुपीरियर कोर्ट का फैसला नहीं आए। और कुछ जानना है आप लोगों को इसके बारे में? और थैंक यू। मेजर ग्राउंड जो रिजेक्शन का है वो वही है जिसका हम निर्णय कर रहे थे, और वो ये है कि शादी का झूठा दिलासा देके झांसे में ला के एक्सटॉर्शन ऑफ मनी हुआ है, काफ़ी सामान वगैरह उससे निकलवाया है लड़की से, और झूठा वादा करके शादी कभी किया नहीं, और जब काम हो गया सारी भूख मिट गई तो उसने उसको सब जगह से ब्लॉक कर दिया और ये बोलता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो इस बेसिस पे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेके अगर कोई झूठा वादा करता है शादी का और उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या फिजिकल कॉन्टैक्ट रखता है तो वो दैट अमाउंट्स टू रेप एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो उसको उसके ऊपर रिलाय करके ऑनरेबल सेशंस कोर्ट ऑफ दिंडोशी ने इस बिल को रिजेक्ट किया है एंड द ट्रूथ हैज बीन प्रिवेल्ड। और भी क्या ग्राउंड हो सकता है बेल रिजेक्ट करने के लिए? सबसे मेजर ग्राउंड तो फिलहाल यही था, और सेकंड रीजन ये है कि इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन अब तक नहीं हुई है। 4 तारीख को FIR होता है, 5 तारीख को अरेस्ट होता है इंसान, हार्डली 10 दिन भी कंप्लीट नहीं होता और तुम जाके बेल एप्लीकेशन फाइल कर देते हो। उसके अलावा लोअर कोर्ट पर जाके, अंदर ही मजिस्ट्रेट कोर्ट पर जाके वहाँ पे एक एप्लीकेशन सबमिट कर दो कि मुझे जो प्रॉपर्टी मेरी कॉन्फिस्केट की गई है, सीज की गई है पुलिस ऑफिसर से, वो भी मुझे रिटर्न चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? और वो लैपटॉप और मोबाइल भी विक्टिम ने ही गिफ्ट किया है, उसको विक्टिम को ही बिलोंग करता है और वो उन्हें वापस चाहिए। अब जब वो भी वापस चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कहाँ से होगी? तो इस ये भी एक सेकंड ग्राउंड है रिजेक्शन का। थर्ड ग्राउंड ये है कि विटनेस की स्टेटमेंट्स डिस्पोज होनी बाकी है, विटनेसेस की स्टेटमेंट बाकी है, तो अगर अक्यूज बाहर ग्राउंड पे आएगा, बेल पे आएगा, तो विटनेसेस को थ्रेटन कर सकता है, विटनेसेस को मैनिपुलेट कर सकता है और एविडेंस बनाने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सबर तो इंसान को रखना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन एटलीस्ट कंप्लीट हो तभी जाके बेल एप्लीकेशन फाइल करो। दलीलें पेश की हैं वो दलीलें हमें बताइए। कोर्ट को वही बताया कि जो कंप्लेनेंट उसके मैसेज को भी आप देखते हैं, ये कहा नहीं जा सकता कि ये रेप का केस है, वो वन साइड है। उसने कहीं भी किसी भी मैसेज में नहीं लिखा कि उसका तभी रेप हुआ है या उसको कोई दबाव डाल के उसको कोई गिफ्ट दिया हुआ है। एक्चुअली ये रिलेशन कंसेंशुअल रिलेशन था जो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, उस कारण से इस तरह के आरोप लग गए। तो वी आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर, विल टेक इट टू द हाई कोर्ट। पीड़िता का कहना है कि उसने तो गिफ्ट के बारे में जो बात आ रही है तो मैटर में कोई मटेरियल नहीं, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिख रही है जिसका कोई वजूद नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा था कि रेप या एक्सट्रॉशन बनता है क्या? पूरे किसी मैसेज में कहीं भी किसी भी रूप में उसने कहीं आरोप नहीं लगाया, इंक्लूडिंग दी पास्ट कंप्लेंट, उसका कभी रेप हुआ था या उसमें एक्सट्रॉशन भी हुआ था। तो इस तरह की उसमें कहानी 2019 में बनाई गई है एंड हम उसको हाईकोर्ट में एक्सपोज करेंगे। सर, बेल रिजेक्ट होने का ऑर्डर की कॉपी 1-2 दिन में मिलेगी तो पता चलेगा, बट इट अपीयर्स के साथ जो गिफ्ट दिए गए, सो कॉल्ड गिफ्ट दिए गए हैं, उसकी वजह से रिजेक्ट हुआ। सर आपका कहना? देखिए, हमने पहले दिन से ये कहना कि इस मैटर में किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है जिसके द्वारा दिखाया जाए कि हमने एक्सट्रॉशन, उसने तरह ने किसी भी रूप में कहीं भी पैसे की मांग की है जी। उसी तरह से उसने शादी का कोई प्रॉमिस किया, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है जी। और रिलेशनशिप बनने का कंसेंट वाले का भी कोई प्रूफ नहीं है। अनडाउटेडली अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हुआ है, बट विल टेक इट टू द हाई कोर्ट। धन्यवाद।